चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। नाम से हमें पता लग रहा है ऐसा मोमेंटम जो रोटेशन के टाइम पे हो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स और रोटेशन में फोर्स क्या जनरेट कर देती है? टॉर्क ठीक है, तो लीनियर फोर्स, रोटेशन में टॉर्क, ऐसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम। नाम तो तुम लोगों ने सुना ही हुआ है इसका, बोहर मॉडल किया कि नहीं किया? यस सर। तुम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला भी याद होगा, क्या होता है एमवीआर। लेकिन क्या, लेकिन लेकिन एमवीआर जो है वो हमेशा नहीं लगता। एमवीआर फॉर्मूला एक स्पेशल केस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, कब लगता है, फॉर्मूला क्या है और उसके स्पेशल केसेस क्या हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशन से, रोटेशनल इनर्शिया से क्या रिलेशन है, इन सब चीजों की डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। It is the product of linear momentum of a body and the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of, उसमें देखो टॉर्क में क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेलरेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यस और नो? यस सर। इसमें है प्रोडक्ट, सेम है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, उसमें फोर्स इनटू, इधर क्या, उधर क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर भी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें भी क्या था फ्रॉम द एक्सेलरेशन, इसमें भी क्या है फ्रॉम द एक्सेलरेशन, उसमें टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, इसमें टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, क्या होगा, टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मतलब दैट इज, देखो एल इसका सिंबल होता है एल, फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इज इक्वल आर ना एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसमें आर वेक्टर तो सीधा वेक्टर होगा जहां पे बॉडी है वहां तक फ्रॉम द एक्सेलरेशन, लेकिन इसको अगर खोल देते हैं एल इज इक्वल टू आर साइन, दिस इज एक्चुअली आर पी साइन थीटा, इसको वही लिख सकते हैं है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो या तो आर साइन थीटा इनटू पी और एल इज इक्वल टू आर इनटू पी साइन थीटा, तो 99% केसेस में हम वैसे तो आर साइन थीटा इनटू पी यूज करेंगे, मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू पी यूज करेंगे, ठीक है। आर परपेंडिकुलर वही है जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन से, डेफिनेशन में लिखा, देखो आर वेक्टर और आर परपेंडिकुलर में अंतर है, जैसे कि टॉर्क में भी था, आर परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉइंट डाल के लिख लो, आर वेक्टर क्या है, ये होता है वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट जहां पे बॉडी है, टू द पॉइंट वेयर द बॉडी इज प्रेजेंट,
currently. ठीक है, at that instant. लेकिन r वेक्टर होता है, सॉरी r परपेंडिकुलर होता है जो ऊपर हमने डेफिनेशन में लिखा, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फोटो बना लेते हैं इसकी. ठीक है ना, जैसे फोटो बना के इसको क्लियर कर लेते हैं. वैसे तो मतलब टॉर्क करके आए हैं तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. मान लो मेरे पास जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं परपेंडिकुलर मोशन की, मान लो प्रोजेक्टाइल ही है, ये प्रोजेक्टाइल फेंका. ठीक है, तो अब लेट्स से आपसे पूछा गया है भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर मोमेंटम जब द बॉडी कहां पे मान लो मैक्सिमम हाइट पे. तो क्या होगी जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे, तो उस टाइम पे उसका लीनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम कहां पे होगा, किस तरफ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये होगा लीनियर मोमेंटम आके ना. यस सर, ये है उस टाइम पे इसका लीनियर मोमेंटम व्हिच इज एम वी, है ना. एंड हमें मान लो फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें पॉइंट फाइंड करना है एल अबाउट ओ. तो अगर मैं आर वेक्टर बनाऊंगा तो कैन आई से दैट दिस इज द आर वेक्टर, अरे हाँ के ना. यस सर, सर यस सर, उधर एमवी कॉस थीटा नहीं लेंगे क्या सर, लीनियर मोमेंटम उधर एमवी लेंगे या फिर एमवी को, नहीं एमवी है ना उधर, इधर तो यू था, मैंने वैसे ही वी लिख दिया, इधर तो यू लिया हुआ है. ओके सर, एमवी इज नथिंग बट एमयू कॉस थीटा. तो ये हो गया मेरे पास r वेक्टर. लेकिन अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कैसे बनाएंगे हम, कैन आई एक्सटेंड दिस लाइन ऐसा करके. यस सर, यस सर, दिस इज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है तो क्या वो ये वाला होगा, मैक्सिमम हाइट होगी. This is R perpendicular. Is that correct? Clear? Yes, sir. और ये वाला जो एंगल है, देखो दोनों में एंगल ही देख, थीटा एंगल है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, R and B. Yes, it is angle between R vector and P vector. तो इधर आर एंड पी वेक्टर में ये वाला एंगल थीटा दिख रहा है, यस सर, क्या मैं बोल सकता हूँ, यस सर, ये भी थीटा है, उधर ना थीटा नहीं लिखते इसलिए मैं लिखा जाता हूँ, तो यहाँ पे ये थीटा है, ये भी थीटा है. ओके, तो ये आर का कौन से वाला कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर वाला, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा है, साइन थीटा, this is theta से दूर वाला, sin theta से पास वाला, cos theta, sin theta, बस वही आ गया. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ angular momentum is nothing but
आर साइन थीटा इनटू एमवी. दिस इज अबाउट, ये जरूरी है मेंशन करना, दिस इज अबाउट पॉइंट ओ. किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, वहां से शुरू करते हैं हमारे परपेंडिकुलर या आर. क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस सर. यस ठीक है. ये परपेंडिकुलर सर, जो इस केस में जो आर परपेंडिकुलर होगा वो हाइट के बराबर ही आ जाएगा ना? बिल्कुल, दैट विल बी इक्वल टू वो अपना मैक्सिमम हाइट इस केस में है वो तो. हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. अगर सर्कुलर जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है एमवीआर करके है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ. यस और नो? यस सर. तो ये yes, सर है ना, मान लो किसी भी पॉइंट पे या लेट्स से यहां पे आ रहे फिलहाल है ना बॉडी, तो इसका लेट्स से ऐसे घूम रही है, तो इस टाइम पे इधर है पी व्हिच इज एमवी और ये है आर. यस और नो? यस सर. यस तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी? 90 degree. It is 90 degree. बिल्कुल सही बात है. जब body इधर होगी तब 90 degree. जब body इधर है तब भी 90. जब body इधर है तब भी 90. क्या circle के हर point पे R और P के बीच में angle 90 degree बनेगा? Yes sir. Yes sir. That means कि हम बोल सकते हैं कि for circular motion theta between r vector and p vector is equal to 90 degree always. Therefore angular momentum is nothing but mvr sine 90, that is mvr are. Yes or no? Yes, sir. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम एमवीआर लगाते हैं, दिस इज ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, मतलब व्हेन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, ऊपर एमवीआर साइन थीटा भी फॉर्मूला लिख लो. देख लिया? यस यस सर. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डायमेंशन ML2T minus 1 and obviously it is a vector ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? नो नो सर. चलो अब हम इसका ना एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं. ठीक है,
शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन से और फिर देखते हैं कहां पहुंचते हैं। स्पेशल केस लिखेंगे, L of a point mass, a point mass से शुरू करेंगे, L of a point mass moving in a circular motion, शुरू करते। यह मैं अभी देख लिया अभी कितना होता है ना, लेकिन उसका एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्म जो है वो हमें डिराइव करनी है। देखो इसमें थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये अभी हमने देखा ना के ना। Therefore, L बन जाता है अपने पास MVR sin 90, that is L is equal to MVR। ये फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन के लिए लिख लिया, लेकिन इसको अगर मुझे ओमेगा के टर्म्स में लेट्स से फाइंड करना है, तो मतलब अगर बॉडी है वैसे घूम रही है सर्कल में, मतलब ऐसा ना ओमेगा के साथ घूम रही है, ये आ रहा है तो हमें पता है कि also v is equal to omega r, तो l बन जाएगा m omega r into r, that is l is equal to m omega r square, कुछ बनता दिख रहा है, that is m r square into omega, and what is m r square? I inertia, it is moment of inertia। So can I say that formula mere paas L is equal to I omega bhi ban gaya? Yes sir. This is again a very important formula, ye aage bahut jagah use hoga, L is equal to I omega karke jo formula hai, for a, yahan pe humne abhi derive isko kiya hai for a point mass जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब इस फॉर्म यहां तक चिपका लिया है सर, एक सेकंड। डन सर, इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करते हैं आगे रिजिड बॉडीज के लिए, लेट्स सी कि भाई ऐसा कर पाते हैं हम नहीं कर पाते। आगे इसमें स्पेशल केस टू बनाओ, L ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी मान लो गंदा सा केस ले लो, कोई भी रैंडम बॉडी का जनरल के लिए करेंगे, ये कुछ भी एक रैंडम बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये एक्सिस ले लो, ठीक है, इसमें हजारों पॉइंट्स हैं, क्या है इसमें हजारों पॉइंट्स हैं जिनके मासेस m1, m2, m3, m4, m1, m2, m3 and so on, मतलब बहुत सारे हैं। इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r1, r2, r3 ऐसा करके, हाँ बहुत सारा है, तो सबका
जो ये अपना एल है वो सबका लिखते हैं बच्चे। एल वन क्या होगा, कहना चाहिए दैट इट इज एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, एल टू इज एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू, एल थ्री इज एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री, टिल एल एन इज इक्वल टू एम एन ओमेगा स्क्वायर आर एन। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देयरफॉर टोटल मोमेंट ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम क्या करेंगे, सिंपली एड कर देंगे। देखो अच्छा, आर क्रॉस पी में डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम की, क्या सबकी सेम आएगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे आएगी? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से। जरा इधर सर्कल के लिए करके बताना एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, इस जो हमने फोटो बनाई है इसमें किस तरफ आ रही है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन? इनवर्ड है सर, इनवर्ड्स आ रही है। इनवर्ड्स, इनवर्ड सबकी आ रही है इनवर्ड? यस सर, यस यस सर, बिल्कुल आ रही है। आर क्रॉस पी इनवर्ड आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखते हैं। इसमें बताओ एम वन की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की किस तरफ आएगी? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड आ रही है। मतलब आउटवर्ड मतलब एक्चुअली ये 2D में बनाया मैंने, सॉरी 3D में बनाया, तो जरा ऐसा करके इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, अप डाउन राइट लेफ्ट इन आउट, इस तरफ आएगी। अपवर्ड्स, और लोग विद्योत्मा की अपवर्ड जा रही है, बाकी लोग सर अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड बोला ना? यस सर, अपवर्ड, हाँ वही बोला मैंने, विद्योत्मा की अपवर्ड। और किसने बोला है अपवर्ड? बस एक ही सर, मेरी भी अपवर्ड आ रही है। अपवर्ड आ रही है, बाकी लोग सर मेरी भी अपवर्ड जा रही है। मेरी भी अपवर्ड आ रही है। ठीक है, बढ़िया, अब बढ़िया आएगी, बिल्कुल सही है। आर क्रॉस भी इधर अब बढ़ाएगी, है ना, इस तरफ आएगी। क्या सारे M1 की तो निकाल, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर को लेंगे? लीनियर मोमेंटम ही चलाऊंगी तेज ऐसे। ओके सर, बाकी जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ या तो फिंगर्स कर्ल कर लो, दूसरा तरीका है छोटा छोटा शॉर्टकट, जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ फिंगर्स कर्ल करो, अंगूठा विल टेल द डायरेक्शन ऑफ बाहर निकलेगा एम वन, यार मैंने क्या किया, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है भाई, आर स्क्वायर है, किसी ने बोला ही नहीं बीच में। एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर टिल एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की सिंगल पावर है, आर की है, तो यहां से मेरे पास आ गया L is equal to omega. Is this I1? Yes, sir. Plus I2 plus I3 till IN. This is total I. So hence L is equal to I omega. क्या किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है?
यस सर। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा जो है वो हम किसी भी डैम बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर बॉडी है वो अगर घूम रही है तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं दैट विल बी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर आई जो है That is moment of inertia of body. पूरा, ना? This is the moment of inertia of the body object. पूरे की, एक mass की नहीं है, मतलब एक point mass की नहीं है, पूरे की है. Sphere दे रखा, sphere का use कर लो, cylinder दे रखा, cylinder का use कर लो, ऐसा करके. चिपका लिया यहाँ तक, थोड़ा ऊपर कर दो टाइट कर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। कोई बता सकता है वैसे क्या रिलेशन होगा? कौन किसका क्या लगता है? अच्छा, फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पता है ना? तू भी इधर लगा रहा है क्लास सर, वो आज आज के दिन आउट ऑफ स्टेशन था तो इसलिए मैं लगा। अच्छा, फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पता है? यस यस सर। क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डीटी। यस सर। रोटेशन में फोर्स क्या बन जाता है? टॉर्क। टॉर्क। लीनियर मोमेंटम क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो रिलेशन आएगा टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, ये रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट क्या आता है कि नहीं आता। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, इनको डिफरेंशिएट कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T। What I get is dl by dt is equal to ddt of r cross p. यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? इधर चेन रूल। चेन नहीं, प्रोडक्ट रूल। एक बार यूवी रूल लगेगा, लेकिन ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कर सकते इधर कि P क्रॉस dr by dt, ये गलत हो गया। P हमने आगे कर दिया, गलत है ना? Yes sir. Yes sir. Do you understand the difference between this and dr by dt into P? किसी को लगता है ये दोनों सेम है? No sir. ठीक है फिर, अगर कोई है ऐसा तो प्राणी मेरे को बताओ अगर किसी को ऐसा लगता। इधर हम लिखेंगे ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर पहले आएगा क्रॉस डी पी बाई डी टी, ऐसा आएगा। डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी क्रॉस
पी होता है एम वी प्लस आर क्रॉस डी पी बाय डी एफ, हाँ दैट इज एफ। पहली टर्म की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? ये प्रणव सर मोमेंटम इनटू वी। प्रणव विद्योत्मा सर वर्क सर ओके वी क्रॉस एम वी विद वर्क सर नो सर एक मिनट अच्छा जीनत सक्षम सर एक मिनट सर वी वेक्टर इनटू एम आएगी आई थिंक। क्या क्या आएगी? वी वेक्टर इनटू एम v vector into m cross m मतलब v vector cross m how can you do a cross product between scalar and a vector quantity? है गुप्ता जी सर मतलब normal zero आएगी। जीनत कह रही है zero आएगी क्यों सर? इसमें v ये दोनों के बीच में हम sin theta लेते हैं जीरो। अरे भाई वी और वी में एंगल कितना है? जीरो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, फिर साइन जीरो। अरे पल्ले पड़ा। यस सर। फिर जीरो ठीक है बिकॉज theta between v and mv is zero plus what is r cross f? torque. This torque okay so therefore torque or external hota hai torque external is equal to dl by d udhar force bhi external hota hai na force external is equal to dv by d बढ़िया सा रिलेशन। ठीक है यस सर ठीक है। देखो अब हमने फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क कर लिया, मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कर लिया ठीक है। फोर्स डीपी बाय डीटी होता है तो टॉर्क डीएल बाय डीटी होता है। अब ऐसे ही एक होता है इंपल्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा एंगुलर इंपल्स ठीक है। एंड इंपल्स क्या चीज थी? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सही बात है। एंड कोइंसिडेंटली इसका सिंबल भी जे ही है, लीनियर इंपल्स का भी सिंबल जे ही होता है। तो ये जे अगर एवरेज देखें मतलब इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे इस फॉर्मूला से निकालना है तो क्या होगा? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ tau dt। अरे हाँ के ना यस सर डीटी उधर ले गया उसके बाद इंटीग्रेट मार दिया डीएल आ गया और डीएल को इंटीग्रेट करके डेल्टा एल आ गया
सर लिखी दो प्लीज पूरा। dl by dt is equal to torque, therefore dl is equal to torque dt, therefore integration of dl is equal to integration of torque dt. What is integration of dl? delta. This is change in angular momentum. फिर जब मोमेंटम था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या जीरो था? कब होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व? जब नेट फोर्स जीरो होती है। जब नेट फोर्स जीरो होती है, ये कब होगा? जब नेट टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगी, उसमें फोर्स एक्सटर्नल जीरो होती है, इसमें टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगा, बस खत्म। टॉर्क एक्सटर्नल जीरो से मतलब टॉर्क एक्सटर्नल क्या होता है? इट इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। तो If torque external is zero, external नहीं लग रही, हम external कोई force नहीं लगा रहे, जिसके कारण कोई external torque induce, produce, generate नहीं हो रही, then dl vector will be zero, obviously that is l is constant, that is conserved, constant या conserved एक ही बात है, ठीक है। अब L constant है, मतलब L का formula था I into omega, therefore I into omega is constant। तो अगर torque external zero है तो I omega constant होगा, that means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes sir. Yes sir. And this formula forms the basis of very important numericals जो कि आते हैं, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 पे numerical आते हैं, simple, सरल yet important, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन बहुत ही सुंदर सुंदर एप्लीकेशन था, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस कैसी हैं? जैसे हैव यू, लेट मी शो यू द वीडियो, यार मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, जरा रुकिए, दिल थाम के बैठिए, कहाँ है, मैरी गो राउंड पता है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। झूठे तो लिए होंगे उस पे? यस। ठीक है, ये रहा मैरी गो राउंड, ठीक है। अभी इसका सारा का सारा मास, सारे लोग इसके सेंटर की तरफ हैं? यस सर। अगर ये उठ के सारे इसके एज पे आ जाते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम विल चेंज? यस सर। अगर ये मासेस, सारे लोग, सारे ये बच्चे, बस बड़े जो भी, ये सारे उठ के
इसके कॉर्नर पे आते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर I1 ओमेगा 1 कांस्टेंट है, मतलब I इनटू ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, कम हो जाएगा। तो मतलब अगर ये उठ के सेंटर से उठ के एजेस पे आ जाते हैं तो इसकी रोटेशन धीरे हो जाएगी। क्या ये बात हजम हुई? लेट्स सी। यस सर। लोग है ना, तेज हो गया। डॉक्टर स्टूल, डॉक्टर वाला स्टूल होता है ना, पेशेंट वाला घूमने वाला। यस सर। इस पे लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दिख रहा है जादू? यस सर। यस सर। डू यू नोटिस द हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फील्ड? मतलब सर जब वो फैल जाता है तो स्लो हो जाता है ना? हाँ, जब फैल रहा है तो स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब फैल रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया। यस सर। यस सर। है ना मजेदार चीज। आगे फीलिंग? Yes, sir. चलो ठीक। तो बस ये तुम लोगों को फॉर्मूला लगाने, न्यूमेरिकल उड़ा देने हैं तुम लोगों को, ठीक है? उड़ाने मतलब सही डायरेक्शन में उड़ाने हैं। That means that is if I increases then omega decreases and vice versa. अरे कई बार ना ओमेगा की जगह टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा होता है, भाई पहले इतना था बाद का बता दो, तो ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा है ना, पता है? Yes, sir. I1 by T1
इज इक्वल टू आई टू बाई टी टू, ऐसे बोल दो। अरे कोई चक्कर परेशानी इसमें? नो सर। बस ये लगा लो, ठीक है। जैसे अर्थ का सपोज मान लो टाइम पीरियड पूछ लिया भाई, पहले टाइम पीरियड, अच्छा एक्चुअल में टाइम पीरियड कितना होता है धरती का? 24 आवर्स है ना। तो मान लो कुछ हो गया, कुछ कर दिया उसने क्वेश्चन में, कुछ चेंज कर दिया हाइपोथेटिकली, तो नया टाइम पीरियड बता दो, बस ये है। चलो तो अभी इसकी कुछ सम प्रैक्टिकल, ये जो हमने देखी है अभी, कुछ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सर एक सेकंड, ऊपर दिखा दो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, थैंक यू। अच्छा वो देखा है कभी, जैसे वो ना वो स्विमिंग वाले नहीं होते, वो डाइवर जो ऊपर से काफी ऊपर फट्टे से वो नीचे छलांग लगाते हैं पूल में? यस सर, यस सर। रास्ते में फोल्ड नहीं हो जाते, और जब फोल्ड हो जाते हैं वो घूमते देते देते घूमने लगते हैं, समरसॉल्ट्स बोलते हैं जिनको। हाँ जी सर, यस सर। वो जब फोल्ड, उसने बॉडी इकट्ठी कर ली अपनी, तो बॉडी जब इकट्ठी कर ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, इसलिए वो गोल गोल तेज तेज घूमने लगते हैं, उसको समरसॉल्ट्स बोलते हैं ना, वो कुछ करतब वर्तब भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बैले डांसर, बैले डांसर पता है? यस सर। बैले डांसर जो है, जो बैले बोल रहा हूँ, बैली नहीं, बैले डांसर, ठीक है। बैले डांसर जो है वो जब अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेते हैं तो वो अपने पैर पे ना, वो टो पे घूमते हैं ना, हैव यू सीन दैट डांस? यस सर। जब अपनी आर्म्स फोल्ड कर लेते हैं तो वो अपने टो बहुत तेज तेज घूमने लगते हैं, दैट इज सेम फंडा है। आर्म्स फोल्ड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंड हेंस द ओमेगा इंक्रीजेस, वैसा है, ठीक है। तो पहला है जैसे वे ना डाइवर फोल्ड्स हिज बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, देयरफोर ओमेगा इंक्रीजेस, which helps him making somersaults, flips in the air. ब्रैकेट में जाके लिख लो गोल गोल घूमना, अगर नहीं किसी को याद रहे। When a ballet dancer folds his arms the moment of inertia decreases, therefore omega increases. And hence he spins at a faster rate. Third, if polar ice melts, अगर पोलर आइस मेल्ट करेगी धरती की तो टाइम पीरियड
धरती का बढ़ेगा या कम होगा, सोच के बताना। भावना समझ रहे, मैं पूछ के रहा हूं। बढ़ेगी, बिल्कुल सही, भावना समझ लो। यस सर, बढ़ेगी। मतलब पोलर आइस जो है वो मेल्ट करके इधर आएगी, इक्वेटर की तरफ। तो अगर इक्वेटर की तरफ आएगी तो मोमेंट ऑफ एनर्जी धरती का बढ़ेगा कम होगा? सी लेवल, देखो पोलर आइस मेल्ट करके सी का लेवल बढ़ाएगी कम करेगी? बढ़ाएगी। हाँ, सी का लेवल बढ़ने की वजह से जो रेडियस है धरती का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, द वाटर कम्स टू द इक्वेटर एंड इंक्रीजेस द लेवल। दिस इंक्रीजेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर ओमेगा डिक्रीजेस, देयरफॉर टाइम पीरियड इंक्रीजेस, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द डे विल मोर देन 24 आवर्स क्रीज, it will be increased, right? Duration of the day will increase. तो ऐसे है बस, है ना? Example. चलो लिख लिया। यस सर। चलो कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है, इफ द size of the earth suddenly shrinks to half the radius, without change in its mass, find the duration of the day.
अनुष्ठा यस सर रेडियस क्या हुआ है हाफ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बढ़ेगा सर कम होगा तो ओमेगा सर दो हैं सर मैं दोबारा करती हूँ जीनत ठीक है विद्योत्मा सेम क्वेश्चन अनुष्ठा वाला अनुष्ठा ठीक है अभी तुम्हारा रेडियस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर बढ़ जाएगा सर ओ ये सर सर अनिरुद्ध गलत है पुष्पिंदर ठीक है सक्षम गलत है मुश्किल सवालात कर लिए लगता है हमने अनिरुद्ध ठीक है अबे पहले काहे गलत कर रहे हो बे तो क्या झोल किया तूने अनिरुद्ध सर पहले ये सोचा कि मतलब जो T1 निकला वो चेंज निकला तो 24 में से माइनस कर दिया पर फिर देखा नहीं ये तो वही टाइम निकला जो हो जाएगा अच्छी सोच नहीं है ये विद्या ठीक है अरे यार और ये कौन है सक्षम हाँ जी सर क्या किया है ये सक्षम पता नहीं सर अरे यार बोलना जरा डिक्टेट करो मुझे क्या करना है सही बार मैंने ना गलती से गलत फॉर्मूला कर लिया था I1 omega 1 is equal to I2 omega यहां से क्योंकि omega होता है 2 pi by t तो therefore हम बोल सकते हैं I1 by T1 is equal to I2 by T2 अरे हाँ के ना वहाँ के yes, ना sir. Yes, sir. So, T2 by T1 is equal to nothing but I2 by I1 and moment of inertia of dharti is formula 2 by 5 m r square 2 by 5 ya 2 by 3 2 by 5 solid sphere hai hollow sphere hai solid apna 2 5 एम में भी कोई चेंज नहीं है लिखा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ T2 by T1 is nothing but R2 by R1 का स्क्वायर तो T2 by T1 is equal to 1 by 2 का स्क्वायर तो T2 is 24 by 4 that is Is that clear? Question of the day वो होती है मतलब जब तक एक rotation में सर मतलब मेरे को लग रहा था कि 3 hours ही होना चाहिए duration of the day. 3 hours? Yes sir. कैसे? सर अगर एक पॉइंट लेके चले तो फिर मतलब उसके ऊपर तो आधे टाइम के लिए सनलाइट रहती है ना अच्छा तो फिर 24 आवर्स का भी 12 ही होना चाहिए यस सर
फिर मतलब सारी बॉक्स में चेंज कर दें डेटा। सर मैंने यही पूछने कि ड्यूरेशन ऑफ द डे हम रोटेशन टाइम को लेते हैं। बिल्कुल, ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे मींस एक दिन, दिन का मतलब दिन और रात में अलग अलग नहीं करना हमें, दिन मतलब पूरा 24 घंटे। यस इंटरेस्टिंग। जीनत करेक्ट, विद्योत्मा करेक्ट, सक्षम करेक्ट, दिवनूर करेक्ट, ध्रुवा करेक्ट, प्रणव करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, अ बैले डांसर स्पिन्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस जिसका 120 आरपीएम, ये क्या चीज दी हुई है? ओमेगा, ठीक है ठीक है, इट इज ओमेगा वन, हमें दिया हुआ है 120 आरपीएम। When her arms are folded, the moment of inertia decreases by 40%. तो जो I2 है, वो हमें क्या बोल रखा है? I1 में से 40% कम हो गया। That is 60% of I1 है, हाँ क्या ना? Yes sir, yes. बोल सकते हैं 0.6 I1 है। Yes sir. नया omega पूछा है। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2.
that means I1 into x of b is equal to I2 is 0.6 I1 into omega 2. यहां से ओमेगा 2 सॉल्व करके आ जाएगा 200 आरपीएम. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. ये बाद कल को हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख के फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किया जाता है. ठीक है, मान लो एक डिस्क घूम रही है उसके ऊपर दूसरी डिस्क रख दी, एक डिस्क घूम रही है उसके ऊपर कॉकरोच रख दिया, ठीक है, उसके ऊपर बंदा रख दिया या कुछ भी, है ना. तो जब हम ऑब्जेक्ट एड करके या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, राइट. फिर ओमेगा कितना चेंज होगा, ऐसे सवाल हम अगली क्लास में करेंगे. आज हम यही समाप्त करते हैं. कोई होमवर्क है? नहीं, कल मिलेगा. ओके सर. दैट्स इट. गुड बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.